इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राजस्थान की प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी और अन्य योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 75+ क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में मैं राजस्थान से संबंधित सभी आपके स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी या अन्य क्षेत्र से जितनी भी योजनाएं हैं उसकी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपकी चर्चा करूंगा इस वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान में, जो कि आपके राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि अगर आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है का वीडियो देखना है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके फरवरी तक अपडेटेड के साथ होगा राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है। और अगर अभी तक आपने जनवरी मंथ की करंट अफेयर राजस्थान की नहीं देखी है सीएचओ एग्जाम के लिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब बात करता हूँ स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के पहला क्वेश्चन है इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट का योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना का शुभारंभ 18 मई 2020 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई है। राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपए की चिकित्सा सीमा थी, लेकिन अब बजट 2023-24 में ये 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका संचालन विभाग है वो आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, किसका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई है। शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका शुरुआत करने का उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जो कि 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है। और इसका भी संचालन कौन है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को कितने रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन आपको बता दिया जाता है कि बजट 2023-24 में, हालांकि एग्जाम में आपको बजट 2023-24 का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि बजट 2023-24 में ये 5 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इस योजना की घोषणा आपके राजस्थान बजट 2022-23 में की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत आपके 1 मई 2022 को की गई थी। आपके यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बीमित परिवार के सदस्यों और सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने तथा हाथ पैर आँख की स्थायी क्षति होने पर 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे, लेकिन बजट 2023-24 में यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को की गई है। और इसका जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। कौन सा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई है। इसका नोडल विभाग भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। अब तक 971 औषधियाँ आपके निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। एग्जाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो इस अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल आपके लिए सीएचओ एग्जाम के लिए राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है फरवरी अपडेटेड के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2019 को की गई है, जिसका दूसरा चरण 30 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना किससे संबंधित है। तो
तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना आपके सड़क दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत आपके 25 जून 2021 को की गई है। कब की गई है? 25 जून 2021 को। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले की से की गई है? तो स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के अलवर जिले से की गई थी। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान की उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के बानसूर में स्वच्छ बेटी अभियान का शुभारंभ किया। तो अलवर जिले में कहाँ किया गया है? ध्यान रखें, बानसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत आपके जयपुर जिले से की गई है। गायों में लंपी बीमारी के चलते नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना की शुरुआत जयपुर जिले के ग्राम थानेकिया से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो जनता क्लिनिक योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? ये भी आपके केंद्र सरकार की योजना है, तो आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत आपके 2 अक्टूबर 2007 से की गई है। अब तक के सभी क्वेश्चन आपके स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, आगे भी अभी तक स्वास्थ्य से संबंधित योजना के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद अन्य योजनाओं की भी चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते का संबंध किससे है? तो खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई है? तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत 12 जून 2021 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जून 2021 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? नवाचार मिशन सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत राजस्थान के बाड़मेर जिले में की गई है। बाड़मेर जिले को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने यह पहल स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत आपके 15 अगस्त 2022 को हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली राशि कितने बढ़ा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रति थाली आपके 5 रुपये बढ़ा दी गई थी, जो कि 1 जनवरी 2022 से आपके 17 रुपये हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपके 20 अगस्त 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को की गई है। यह योजना 3 वर्षों अनुदान आधारित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का नोडल विभाग है ऊर्जा विभाग। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यातक बनो मिशन किसने शुरू किया है? तो निर्यातक बनो मिशन आपके रीको के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दिया जाता है कि रीको की फुल फॉर्म राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत कितने रुपए देय अनुदान राशि किए जाने की घोषणा की गई है?
यह मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, न कि बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना दूसरी है और ये योजना दूसरी है। तो इसमें पूछा गया है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत आपके 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और इसकी घोषणा राजस्थान बजट 2022-23 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये किलो गेहूँ योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो 1 रुपये किलो गेहूँ योजना आपके खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है और ये कब शुरुआत की गई योजना? तो ये योजना आपके 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 29 नवंबर 2022 को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया था? तो बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना दोनों का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 29 नवंबर 2022 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में कितने दिन दूध देने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले 2 दिन था लेकिन बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि अब सप्ताह में प्रतिदिन बच्चों को दूध दिया जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। पहले जब शुरुआत की गई थी ये घोषणा, जब ये योजना स्टार्ट हुई उस टाइम 2 दिन दिया जाता था, मंगलवार और शुक्रवार को, लेकिन जनवरी में ये वापस चेंज कर दिया गया था, बुधवार और शुक्रवार कर दिया था और फरवरी में वापस बजट 2023 में घोषणा की गई थी कि प्रतिदिन अब दूध दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के 716 मॉडल स्कूल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है? तो राजस्थान जनता जल योजना आपके 31 जिलों में संचालित है। 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर हैं जहाँ पर यह योजना शुरू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालनहार योजना की शुरुआत कब की गई? पालनहार योजना की शुरुआत 2004 में की गई है। इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कल आपके लिए राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है फरवरी अपडेट के साथ वीडियो लाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है? तो माटी परियोजना आपके बीकानेर जिले में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरशिन भंडारी स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? सुंदरशिन भंडारी स्वरोजगार योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2018 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन गांवों के संग अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो प्रशासन गांवों के संग अभियान आपके 2 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर 2021 तक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क की मात्रा कितनी होगी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क की मात्रा कक्षा 1 से 5 तक आपके 150 ml दूध में 15 ग्राम पाउडर की मात्रा और कक्षा 6 से 8 में 200 ml दूध में 20 ग्राम पाउडर, जितना ml दूध है उसमें 0 कट कर दो, पीछे जो बचा उतने ग्राम पाउडर है, 200 में 1 0 कट करो 20 ग्राम, 150 में 0 कट किया 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब की गई है? तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बता दिया जाता है घर घर औषधि योजना में कौन कौन से पौधों को शामिल करके टोटल कितने पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो टोटल आपके 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल में इन चारों के 2-2 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। 4 × 2 टोटल 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और यह योजना वन विभाग द्वारा की जा रही है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सिलिकोसिस नीति को कब जारी किया गया? तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सिलिकोसिस नीति को 3 अक्टूबर 2019 में जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है और सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत अलग अलग आयु में अलग अलग तिनका दी जाती है। 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रति माह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच में 750 रुपये प्रति माह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक में 1000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को की गई है और इसकी स्वीकृति किसने दी है? तो इसकी स्वीकृति राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी और इसकी जो एजेंसी है वो अलग अलग है। राज्य स्तर पर एजेंसी है ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर एजेंसी है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी और 31 मार्च 2026 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब लागू किया गया? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 13 दिसंबर 2019 को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमों को ब्याज दिया जाता है 25 लाख तक के ऋण पर 8% का, 5 करोड़ के तक के ऋण पर 6% का और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% का ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को कब लागू किया गया? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को 1 फरवरी 2019 को लागू किया गया था और इसकी भी एजेंसी है आपकी कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई है। यह क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि किस तारीख से जन आधार कार्ड योजना को सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया गया था, तो वह तारीख आपकी थी 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 में राजस्थान में जितनी भी योजना हैं उनके लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 को की गई थी और इसकी शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएम शक्ति उड़ान योजना का लोकार्पण किसने किया है? तो आईएम शक्ति उड़ान योजना का लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 दिसंबर 2021 को किया गया है, जिसमें 10 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोरी और महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना किससे संबंधित है? तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना आपके स्कूटी वितरण योजना से संबंधित है। आपको बता दिया जाता है पहले इसकी जो संख्या थी स्कूटी वितरण करने की वो 20,000 थी, लेकिन बजट 2023-24 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है और इसके साथ ही बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की भी विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? तो वर्ष 2022 का पूछे तो 15,000, लेकिन बजट 2023-24 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है, लेकिन आपके एग्जाम में बजट 2023-24 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया गया? तो मिशन सुरक्षित बचपन अभियान आपके बूंदी जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो कंप्यूटर सखी प्रोग्राम आपके चूरू जिले में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत आपके डूंगरपुर जिले में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो नन्हे हाथ कलम के साथ अभियान का शुभारंभ जयपुर जिले में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर नन्हे हाथ कलम के साथ COVID-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर जिले से हुई है और यह 27 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नशा करेंगे और ना ही करने देंगे ये अभियान किस जिले में शुरू किया गया? ना नशा करेंगे और ना ही करने देंगे ये अभियान आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिशन भीम अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो मिशन भीम अभियान आपके दौसा में शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों में कुपोषण संबंधी समस्या को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अस्मिता अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? ऑपरेशन अस्मिता अभियान की शुरुआत आपके बूंदी जिले में की गई है। बूंदी जिले के कुछ क्षेत्रों में देवव्यापार कुरीति को समाप्त करने के, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा, सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन अस्मिता को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अस्मिता के बाद ऑपरेशन समानता अभियान किस जिले में चलाया गया? तो ऑपरेशन समानता अभियान भी आपके बूंदी जिले में चलाया गया था। 4 जनवरी से शुरू ऑपरेशन समानता शुरू होने के बाद अब किसी भी गांव में कोई विवाद नहीं हुआ। खुद ग्रामीण दलित समाज की शादी में भाग ले रहे हैं और दलितों को भी समानता का अधिकार मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा गिलास पानी अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? आधा गिलास पानी अभियान की शुरुआत आपके भीलवाड़ा जिले में की गई है और भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, ध्यान रखना ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की बात चल रही है। इससे पहले वो कालीबाई मेधावी योजना है, दोनों अलग अलग है। उसमें आपके 20,000 से 30,000 कर दी गई थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है। और इसमें क्वेश्चन बना है कि 2021 में स्कूटी की संख्या कितनी करने की घोषणा की है। तो पहले 2,000 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर 5,000 कर दी है। दोनों ध्यान रखना, स्पेशल ये याद रखना, ये दिव्यांग स्कूटी योजना की यहाँ बात चल रही है। पहले 2,000 थी और अब कितनी हो गई है? 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सभी जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? गोरादाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना को शुरुआत किया गया है अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कल आपके CHO एग्जाम के लिए राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है फरवरी अपडेट के साथ वीडियो लाया जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ज़्यादातर तो पूछा जाता है राजस्थान करंट अफेयर से कि कौन क्या है। चाहे वो वित्त मंत्री पूछे, मुख्यमंत्री पूछे, राज्यपाल पूछे, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी गई है? मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत 5,000 रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्ति गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितनी नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो स्वस्ति गेट जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 512 नवीन इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2021 में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष जारी की गई थी? ये क्वेश्चन आपके CET ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति आपके 2022 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना 2020 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ कब से हुआ है? तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई है? तो वात्सल्य योजना की शुरुआत 13 नवंबर 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मित्र योजना का संबंध किससे है? तो PM मित्र योजना का संबंध आपके कपड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग है तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान में राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु विद्या संबल योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ती की पाठशाला अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो मस्ती की पाठशाला आपके पाली जिले में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत सरकार द्वारा कितने रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत सरकार द्वारा 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,
ऑपरेशन सर्द अभियान किन जिलों में चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द अभियान आपके बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में चलाया गया है। यह ऑपरेशन सीमा में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सर्दियों के दौरान घना कोहरा सीमा क्षेत्र में दृष्टि को अवरुद्ध करता है और आतंकवादियों के लिए सीमा पार करने के लिए परिदृश्य बेहद फायदेमंद है। तो ये थे आपके राजस्थान से जुड़े स्वास्थ्य और अन्य संबंधी सभी योजनाएं 75+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल आपके लिए राजस्थान में कौन क्या है इस पर क्वेश्चन लिए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।